प्रभु राम और उनके वनवास से जुड़ी कथाएं कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने 14 साल के वनवास में 10 साल प्रभु ने छत्तीसगढ़ में बिताए थे। दैनिक भास्कर आपको ले चलेगा उन जगहों पर जहां जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पैर पड़े। अयोध्या से निकलने के बाद प्रभु राम का यूपी में अंतिम पड़ाव चित्रकूट था, जहाँ से श्री राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, फिर जबलपुर शहडोल होते हुए अमरकंटक आए, यहाँ से विदिशा गए और फिर आगे के सफर में प्रभु राम दंडकारण्य यानी छत्तीसगढ़ चले गए। छत्तीसगढ़ में कोरिया से शुरू हुआ वनवास का सफर प्रदेश के अंतिम छोर इंजरम तक का है। इसमें रामाराम तक प्रभु ने 1400 किलोमीटर तक की यात्रा की थी। सरकार के राम वन गमन पथ में ऐसे ही कई स्थान हैं जिन्हें विकसित किया जा रहा है, तो आइए जानते हैं मैप के जरिए उन जगहों के बारे में। हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल हैं। कोरिया से शुरू हुई यात्रा में प्रभु मवाई नदी के किनारे सीतामढ़ी हरचौका में रुके। मान्यता है कि यहाँ सीता ने रसोई बनाई, इसलिए इसे हरचौका कहते हैं। यहाँ एक शिला पर पैरों के निशान हैं, जिन्हें राम के पदचिन्ह माना जाता है। कोरिया के बाद श्री राम रामगढ़ पहुँचे, जहाँ 4 कक्षों वाली गुफा है और बीच में शिवलिंग स्थापित है। इसे सीता बेंगरा कहते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम की रचना इसी गुफा में की थी। सरकार की परियोजना के तहत यहाँ सड़क, भव्य प्रवेश द्वार, वाटर फ्रंट और 20 कॉटेज डेवलप होंगे। वनवास के दौरान प्रभु रायगढ़ के जंगलों से भी गुजरे। यहाँ एक झरना है जिसे राम झरना कहते हैं। इसकी धार भीषण गर्मी में भी नहीं टूटती। ऐसी मान्यता है कि सीता को प्यास लगने पर तीर मारकर राम जी ने पानी की धार निकाली थी। आगे बढ़ते हुए राम जी महानदी के तट से यात्रा करते हुए शिवरी नारायण पहुँचे। महानदी, जोंक और शिवनाथ नदियों का यह त्रिवेणी संगम राम वन गमन पथ का सबसे अहम पड़ाव है, क्योंकि यहीं पर शबरी से उनकी मुलाकात हुई थी। यहाँ कई मंदिर हैं जिनमें शबरी, नारायण, राम और सभी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ हैं। परियोजना के तहत यहाँ भव्य प्रवेश द्वार बनेगा और राम की विशाल प्रतिमा महानदी के तट पर बनाई जाएगी। राजिम गरियाबंद जिले का एक ऐसा ही तीर्थ स्थल है जहाँ पर भगवान श्री राम पहुँचे। सोंढूर पैरी महानदी का ये संगम और कुलेश्वर महादेव का मंदिर नदी के बीचों बीच। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर अपने कुल देवता महादेव की पूजा की थी और इसी वजह से यहाँ पर कुलेश्वर महादेव का ये मंदिर है। पास ही राजीव लोचन का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर पूजे जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हमारा सफ़र और आगे बढ़ेगा और आपको दिखाएंगे वो तमाम जगहें जहाँ पड़े मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पांव। शिवरी नारायण से श्री राम सिरपुर होते हुए तुरतुरिया पहुँचे, जहाँ बलभद्री नाले का पानी तुरतुर आवाज के साथ गिरता था, इसलिए इसे तुरतुरिया कहा गया। परियोजना के तहत यहाँ महानदी के तट पर वाटर फ्रंट डेवलप होगा, टूरिस्ट कॉटेज भी बनेंगे। वनवास के दौरान प्रभु राम सिहावा में सप्तऋषि आश्रम भी पहुँचे थे। श्री राम ने उनके सानिध्य में समय गुजारा था। इसके अलावा ऋषि अगस्त के आश्रम भी पहुंचे थे। यहां राम ने ऋषियों से कई तरह की विद्या ली थी। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान जिन जगहों पर वक्त बिताया था वहां आपको ले जाने की कोशिश है। एक पहाड़ पर हम इस वक्त जा रहे हैं। ऋषि अगस्त का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ के ऊपर लगभग 500 मीटर ऊपर ऋषि का तपोस्थल है और भगवान राम उनसे मिलने यहाँ पर आए हुए थे। परियोजना के तहत यहाँ मधुबन धाम विकसित किया जाएगा और पर्यटन के लिहाज से भी कई सुविधाएं होंगी। सिहावा से प्रभु ने दंडकारण्य यानी स्वर्ग के बस्तर में प्रवेश किया। यहाँ नारायणपुर के इलाके में पहुँचने के बाद प्रभु चित्रकूट निकले और फिर कोटमसर के जंगल गए थे, जहाँ उन्होंने कई दिन बिताए। पुरंतरी गांव के बुजुर्ग व कुछ जानकार और इतिहासकारों ने बताया है कि यहां पर प्रभु श्री राम ने एक चट्टान में विश्राम किया था, जिसके बाद यहां पर प्रभु श्री राम का एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। प्रभु वनवास के दौरान अभुजमाड़ और फिर बारसूर पहुंचे। यहां राम सीता का एक प्राचीन मंदिर है। यहां मौजूद बंदरों को राम की वानर सेना कहा जाता है। परियोजना के तहत यहां चित्रकूट, तीरथगढ़ और दलपत सागर का विकास होगा। बारसूर गीदम होते हुए प्रभु राम सुकमा के रामाराम गांव पहुंचे, जहां से छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर इंजरम गए। यहां प्रभु कई दिनों तक रहे और फिर यहां से महाराष्ट्र के रास्ते आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां से फिर केरल, कर्नाटक, रामेश्वरम होते हुए श्रीलंका पहुंचे। तो ये थी प्रभु राम के वनवास की यात्रा।